कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, लेकिन अगर आप सही हैं तब भी आप वही कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, आज नहीं तो कल लोग आप पर विश्वास जरूर करेंगे। और यही गुरु मंत्र बनेगा सभी कर्क राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर 2020 के महीने में। प्रिय साथियों नमस्कार, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2020 का महीना, इस राशिफल के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की, उसके बाद आपका बिजनेस और फाइनेंस कैसा रहेगा, जॉब और प्रोफेशन की बात करेंगे, लव लाइफ रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ की बात करेंगे, स्टूडेंट और संतान सुख की बात करने के बाद सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करेंगे, और अंत में वो खास उपाय जो अक्टूबर माह को यादगार बना सकता है सभी कर्क राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन शुरुआत ग्रहों के परिवर्तन से। व्यापार भाव में और आपके साझेदार के भाव में शश योग आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकता है। 4 अक्टूबर से मंगल भाग्य भाव में वक्री होकर उच्च शिक्षा के लिए और एजुकेशन लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 17 अक्टूबर से सूर्य सुख भाव में नीच राशि होने से आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी अपनी माँ और प्रॉपर्टी की। 23 अक्टूबर से बुध और शुक्र का महान परिवर्तन राजयोग बनने जा रहा है, ये आपके लिए यादगार पल बना देगा। राहु की शनि पर दृष्टि पति पत्नी और लव रिलेशनशिप में तल्खी ला सकता है। वहीं रोग भाव में गुरु स्वग्रही होने से कर्ज और दुश्मनों से छुटकारा मिल सकता है। केतु की आपकी राशि पर दृष्टि होने से मन थोड़ा अशांत और अज्ञात भय में रहेगा। वहीं प्रिय साथियों, आप हो या मैं हो, आम है या खास है, हमारे महीने में 2-3 दिन ऐसे होते हैं जो निराशा और टेंशन डिप्रेशन का माहौल बना देते हैं, और इसका मुख्य कारण होता है चंद्रमा, क्योंकि वो मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं। जब भी आपकी राशि से 4th, 8th, 12th चंद्रमा होते हैं, कई तरह की तकलीफें देने का प्रयास करते हैं। ये डेट्स मैं एडवांस में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उन पलों में अपना और अपनों का ख्याल रखें, कूल रहकर डिसीजन ले सके। इसी कड़ी में 17-18 अक्टूबर को 4th, 26-27 अक्टूबर को 8th, 9 और 10 अक्टूबर को 12th रहेंगे चंद्रमा, ख्याल रखिएगा। लेकिन आपका ख्याल रखने के लिए बहुत कुछ खास इस महीने है। 11 अक्टूबर को रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप शुभ और मांगलिक कार्य और साथ में कुछ खरीदारी कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से माँ दुर्गा आ रही है आपको साहस देने के लिए शारदीय नवरात्रा के रूप में। वहीं 25 अक्टूबर को अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयदशमी के पावन पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आपको सफलता का आशीर्वाद देंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं बिजनेस और वेल्थ से। बिजनेस पर्सन को इस महीने इन्वेस्टमेंट के अनुरूप अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आपने थोड़ी सेविंग कर रखी है तो आप पैसे से पैसा बना सकते हैं, ऐसे नुस्खे आपको मिलने वाले हैं। आप अपने कामकाज में पूरी एनर्जी लेवल के साथ जुटे रहेंगे। कोशिश करिएगा कि अनर्गल खर्च को दूर किया जाए और कर्ज को कम किया जाए। 23 अक्टूबर तक, या यूं कहें कि 4 तारीख से 23 अक्टूबर तक आकस्मिक धन लाभ काम बनने के योग बनेंगे। साइलेंट रहकर सिर्फ अपने काम पर फोकस करिएगा। कारोबारियों एवं व्यापारियों के लिए स्पेशली काम प्रगति धन लाभ के नए सोर्सेज जनरेट करना, किसी चीज पर परिवर्तन तय है। अगर आपको लगता है कि आप अपने दुकान ऑफिस फैक्ट्री पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव कुछ और काम करिए। कुछ परिवर्तन करके आपको नया लाभ मिल सकता है, तो नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने का जरूर सोचिए। आप लंबे समय से नए व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, व्यवसाय में नए लोगों की भर्ती, कुछ छंटनी करना, कुछ ऐसा परिवर्तन जो आपके व्यवसाय के लिए आपको लगता है सही है, तो अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं उनके सलाह मशवरा और बेहतर रिसर्च से आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। आपके द्वारा फाइनेंस के मामले में की गई कोशिशें, अगर आपको कोई मकान बेचना है, खरीद फरोख्त आपकी प्रॉपर्टी के लिए करनी है, तो पैसा मिल सकता है, अच्छे अवसर मिलेंगे, बहुत अच्छे अवसर आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस कर रखे हैं तो शुरू कर सकते हैं नया व्यापार, और ऑलरेडी कर रखे हैं तो उसमें आपको बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। इमोशंस में और फैंटेसाइज होकर फैसले आप लेने वाले हैं, जिससे आपको पूर्ण रूप से बचना चाहिए। बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। आपके द्वारा जॉब के मामले में जो सोचा हुआ काम है, मन में कोई जोश और उत्साह है, लेकिन आप काम करते हैं पर उत्साह के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही। आपको अच्छा समय देखकर सही मन बनाकर अपने बॉस से बात कर लेनी चाहिए। 17 से लेकर 26 अक्टूबर तक भागदौड़ भी रहेगी,
लाभ भी कम मिलेगा, इरिटेशन मन को डिस्टर्ब करने वाले काम होंगे, लेकिन अगर लगातार आपने प्रयास किए तो मन डिस्टर्ब बैंक से हर्षित की तरफ तब्दील हो जाएगा। आप जहां पर भी जॉब कर रहे हैं, यह सोचकर करें कि मेरा अपना काम है, आपकी कंपनी चलेगी तभी आपकी सैलरी आएगी, आपकी जो रूटीन जिंदगी है वो चलेगी। अन्यथा आपको यह ध्यान रखना है कि अज्ञात भय, क्योंकि नीच के सूर्य होने वाले हैं जो बार बार आपको डिस्टर्ब और पिंच करेंगे जॉब छोड़ने के लिए, या छूट भी सकती है। बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, टाइम को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मैनेज करना है या उसे वेस्ट करना है। प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में काम करें तो आपको अपने स्किल और दमखम को दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, उसी से आपका कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में आप हर काम को बारीकी से पूरा करेंगे तो बेहतर रहेगा। मंथ मिड से लेकर एंड के बीच में आपकी जो भी योजना इरादे हैं उस पर कदम उठाने के पहले एक बार फिर विचार करिए। जरूरत पड़ने पर किसी तरह का बदलाव करने में संकोच बिल्कुल भी नहीं करें। पेशेवर मोर्चे पर यानी प्रोफेशनली आपको काम करना है, इमोशंस में आके नहीं, तब ही मन चाही सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। ऑफिस में कुछ लोग अफवाह उड़ाएंगे कि आपकी नौकरी छूट गई है, आपको प्रोवोक लड़ाई झगड़े के लिए करेंगे, आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हाथी की तरह मस्त चाल चलते रहिएगा। करियर में प्रगति के लिए आत्म साक्षात्कार और आत्मनिरीक्षण करने के लिए वक्त निकालिए, इससे आपके जोश और जुनून में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। इस महीने वातावरण आपके अनुकूल है, मन में जोश, उत्साह, कंपेनियन के प्रति प्यार, इश्क और मोहब्बत और एक बेहतर कम्युनिकेशन होगा। आपको अपने लव पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ हंसी और खुशी के, कुछ ट्रैवल करने के, घूमने फिरने के साथ स्पिरिचुअल वक्त गुजारने का पूरा मौका मिलेगा। संस्कार की कमी देखी जाएगी, बच्चों को गैजेट्स के साथ ही मशगूल होते हुए देखा जाएगा, इससे थोड़ा दूर करके अपने परिवार में एक सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए आपको थोड़ा सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाबूजी, बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत है और इसके लिए शुक्र और बुध आपको लाभ दे रहे हैं। जिस घर में माँ पिताजी खुश रहते हैं, बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं, उस घर में धन लक्ष्मी हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप लंबे समय से कार, मकान या कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ये काम करना चाहिए। इन दिनों एकाएक खरीदारी करके बच्चों और परिवार को एक सरप्राइज गिफ्ट भी आप देने वाले हैं। आप अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ, दोस्तों के साथ छोटा या बड़ा गेट टुगेदर और ट्रैवल प्लान बनाने जा रहे हैं जो आपको बहुत लाभ देगा। 23 अक्टूबर से प्रेमी युवक और युवतियों के बीच प्रेम प्रसंगों में वृद्धि होगी, उस समय आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। संतान सुख और संतान से सुख के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम अपने बच्चों को देना होगा। बात करते हैं स्टूडेंट और संतान सुख की। इस महीने स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, जनरल हो या स्पेशल एग्जाम की तैयारी में जुटे रहेंगे। अज्ञात भय नीच का सूर्य आपको देगा, नीचा रोही सूर्य भी अज्ञात भय देगा। दूसरों को देखकर आपको ऐसा लगेगा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये सोच ही आपको डिस्टर्ब करेगी। इसलिए संतान की शिक्षा के प्रति रुचि और आपके खुद के अपने पढ़ाई के प्रति रुचि के लिए आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा जो योगा और प्राणायाम का हो, तब आपके भीतर बढ़िया संचार होगा, बढ़िया रगों में ब्लड दौड़ेगा, तो आपकी जो मानसिक शांति है वो मिलेगी और एकाग्रता बढ़ेगी और इसी से ही दिल खुश हो जाएगा। बच्चों की तरफ से कुछ सुखद समाचार के लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी और मेडिकल के स्टूडेंट और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे स्टूडेंट के लिए मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता, डू मोर की सिचुएशन रहेगी। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और खेल के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के साथ खेल कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आइए बात करते हैं अब हमारी सेहत और ट्रैवल प्लान की। देखिए, आपका ट्रैवल प्लान तो बन सकता है लेकिन बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों की सेहत पर आपको पहले ध्यान देना चाहिए। नरम गरम स्थिति रहने के कारण आप परेशान होने वाले हैं, उनके चेकअप के लिए और घर का वातावरण अच्छे बनाने के लिए आप जरूर मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करनी भी चाहिए। शत्रु आपके पद और प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। खर्चों और कर्जों में कमी लाकर निश्चित रूप से उस पैसे को आप बेहतर जगह पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। गाड़ी आप चला सकते हैं, गाड़ी नई भी ले सकते हैं। दुर्घटना और बीमार होने के चांसेस आपकी कुंडली में कम है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेंगे। आपको एक्सीडेंट का कोई ऐसी चीज बन सकती है, ऐसा नहीं है। सतर्कता बहुत जरूरी है। इस महीने छोटी यात्राएं आपकी संभव है, बड़ी यात्राओं को टाल देना चाहिए।
कोशिश करें कि मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को यात्रा न की जाए और करें तो शुभ का चौघड़िया देखकर फिर की जाए। जहां तक उपाय की बात है तो 11 अक्टूबर को रवि पुष्य नक्षत्र के पावन अवसर पर किसी ज्योतिषी, योग्य ज्योतिष, इंटेलिजेंट, हमारे जैसे भी हो सकते हैं, सलाह लेकर आपको माणिक रत्न सोने में जो अनामिक अंगुली है उसमें धारण करना चाहिए, लाभ मिलेगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप कम से कम मौली का टुकड़ा और कोई भी लाल धागा आप गले में धारण कर सकते हैं। सूर्य को उस दिन प्रबल करने के लिए सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करने का संकल्प लेना शुभ रहेगा। वहीं 17 अक्टूबर को नवरात्र घट स्थापना के पावन अवसर पर सफेद वस्त्र आप खुद धारण करें और मां भैरवी स्वरूप की आराधना करें। सफेद पुष्प और नैवेद्य से भोग लगाकर मिठाई का भोग लगा दीजिए और नवरात्रि के 9 दिनों तक सफेद चंदन या स्फटिक की माला से ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र की 1 या 11 माला जाप रोज करना आपके लिए शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, इन 9 दिनों में व्रत करना साथ में आपके लिए और शुभ रहेगा कि आप इन 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, जो अर्घ्य और कीलक का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बच्चों को, स्पेशली कन्याओं को जो 12 साल से कम उम्र की, उनको भोजन करवाना, दक्षिणा देना शुभ रहेगा। 25 अक्टूबर अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयदशमी के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता आपको आशीर्वाद दे रही हैं। इस दिन सीता राम के समक्ष घी का दीपक जलाकर पूजन करते हुए पान अर्पित करें और ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात मंत्र की 1 या 11 माला जाप जरूर करें। 27 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी अवसर पर 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदर पूर्वक बुलाकर कुछ मीठा भोजन करवाएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 5 सुहागिन महिलाओं के निमित्त भोजन करवाकर उनके घर जाकर दे आएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की और जीवन संगिनी की बेहतरी सुनिश्चित होगी। वही 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहने के लिए मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में दान करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख से मां लक्ष्मी का अभिषेक करें और धूप दीप पुष्प से पूजा करें, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख भी पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुआ था, इसीलिए इसकी पूजा अवश्य करें। उनके समक्ष श्री सूक्त का पाठ करें तो और शुभ रहेगा। प्रिय कर्क राशि वाले दर्शकों, आपका शानदार अक्टूबर महीना रहे, खुशनुमा वातावरण बने, अपना और अपनों का स्वास्थ्य और हर पल में ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, जिंदगी को जीना ही ईश्वर ने हमें एक संकल्प देकर भेजा है, लेकिन हमें जिंदगी को काटना नहीं है, जीना है। हर पल जीने का प्रयास करें, खुशी पाने के लिए नहीं, हर काम को खुश रहकर करें, मजा आ जाएगा। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी जुबान को अब विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।